बहुत भारी मन से और मजबूरी में इस विषय को यहाँ सदन में रख रहा हूँ। मैं जिक्र कर रहा हूँ 3 अक्टूबर 2021 का, जहाँ उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में तिकनिया में आंदोलनकारियों पे पीछे से एक गाड़ी आती है और उन्हें रौंद के चली जाती है। ये ऐसी घटना है जिसे लखीमपुर नरसंहार से के नाम से पूरे देश में जिसकी चर्चा बनी और देश के किसानों को इस घटना ने झकझोर करके रख दिया। गौर करने की बात यह है कि 1 दिसंबर 2022 अभी जो शीतकालीन सत्र विधानसभा में चला है, हमारे ही दल के विधानमंडल नेता विधायक श्री राजपाल बालियान जी ने, सेट का सब्जेक्ट नहीं है, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, उन्होंने प्रश्न पूछा मुख्यमंत्री जी से, उन्होंने मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछा, ये आतंकित प्रश्न की कॉपी में आपको उपलब्ध करा दूं। ऑनरेबल में जैन, धन्यवाद सभापति जी, कोई भी बात असंसदीय में नहीं करूंगा, करूंगा तो आपका अधिकार बनता है। अतारंकित प्रश्न मुख्यमंत्री जी से पूछा गया और ये पूछा गया कि क्या जो घायल किसान हैं उनको सरकार की तरफ से कोई सरकारी मुआवजा मिला है, क्या जो मृतक किसान थे इस घटना में उनके परिजनों को कोई सरकारी नौकरी दी गई। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि खुद सरकार ने यह वादा इस घटनाक्रम के बाद वहां किसानों के बीच पहुंचकर अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भेजकर यह वादा किया था कि 10 लाख रुपए का मुआवजा हर एक घायल को दिया जाएगा, जो 4 मृतक किसान थे उनके परिवारजनों में एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। 1 साल बीत चुका है लेकिन अब तक सरकारी कार्रवाई इस पर कुछ हुई नहीं है। मुख्यमंत्री जी का खुद इस पर जवाब आया कि ऐसी कार्रवाई प्रदेश सरकार अब तक नहीं ले पाई है। तो मैं मांग करना चाहता हूँ गृह मंत्री जी से, यहाँ सदन के नेता अभी मौजूद थे, इन्हें सवाल पूछना चाहिए क्योंकि बहुमत की सरकार आप ही की प्रदेश में है, उनसे जवाब मांगिए अब तक उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की, क्योंकि ये बात हमारी आपकी नहीं है। मैं कंक्लूड कर रहा हूँ सर, ये बात हमारी आपकी नहीं है, सरकार पे जनता विश्वास क्यों करे अगर आप सरकार वादे पूरे नहीं करेगा। धन्यवाद।